पाकिस्तान में मोदी मोदी का शोर तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन अब पाकिस्तान में जय शाह का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में हर तरफ शाह शाह चल रहा है, लेकिन ये शाह अमित शाह नहीं, जिनका नाम सुनते ही पाकिस्तान टेंशन में आ जाता है। ये है जय शाह, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष है, और जब से जय शाह ने पाकिस्तान में एशिया कप के सिर्फ 4 मैच होने के मॉडल के लिए हाँ कही है, वहाँ पर जय शाह की जय जयकार हो रही है। पीसीबी चेयरमैन अजम सेठी मेजबानी पूरी तरह छीनने के बजाय 4 मैचों की खारियात को अपने देश के सामने जीत की तरह पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान को पूरे एशिया कप की मेजबानी मिलनी थी, अब वहाँ पर सिर्फ 4 मैच खेले जाएंगे, लेकिन जय शाह से इतनी राहत मिलने पर भी पाकिस्तान में काफी खुशी है। आतंकी खेती करने वाले पाकिस्तान में भारत की पहल के बाद से क्रिकेट इवेंट ना के बराबर होते थे। कुछ टीमों ने हाल फिलहाल दौरा किया, लेकिन अब पाकिस्तान कह रहा है कम से कम 15 साल बाद कोई मल्टीलैटरल इवेंट तो हो रहा है। पाकिस्तान के क्रिकेटर भी जानते हैं, क्रिकेट की दुनिया में भारत जो कहेगा पाकिस्तान को मानना ही पड़ेगा। भारत पाकिस्तान खेलने जाए या फिर ना जाए, पाकिस्तान का भला भारत में क्रिकेट खेलने में ही है। एक्सपर्ट ये आरोप भी लगा रहे हैं कि भारत की ताकत की वजह से पीसीबी उसकी सारी शर्तें मान रहा है, और टीम इंडिया के पाकिस्तान नहीं आने के बावजूद पाकिस्तान भारत खेलने जाने को बेकरार है। तो भारत एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगा, लेकिन भारत के अंदर होने वाले आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान के खिलाड़ी भारतीय मैदानों में खड़े दिखेंगे। और भले ही एशिया कप का मेजबान होने के बावजूद पाकिस्तान को श्रीलंका से आधे मैच भी नहीं मिले, पाकिस्तान को जय शाह की जय जयकार करनी ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।